भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के एक बयान की देश भर में चर्चा हो रही है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हुई तो देश का बंटवारा हो सकता है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के 5वें सालाना सम्मेलन में रघुराम राजन ने ये बयान दिया। इस दौरान रघुराम राजन ने कहा कि हमें नतीजे देखने हैं तो श्रीलंका को देखें। जब एक देश के राजनेता अल्पसंख्यकों पर हमला करके रोजगार पैदा करने में अपनी नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं तो ये किसी भी तरह अच्छा नहीं होता। रघुराम राजन ने आगे कहा कि आज देश में कुछ तबकों के बीच ये भावना है कि लोकतंत्र भारतीय समूह को पीछे ले जा रहा है। इसके साथ ही रघुराम राजन ने कहा कि देश में ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति के लिए विकास के अवसर मौजूद हों। इसके साथ ही रघुराम राजन ने भारत के संदर्भ में अच्छी बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारत में कभी भी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा, भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। रिजर्व बैंक ने रिजर्व बढ़ाने में अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी समस्या होने का खतरा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत की धीमी तरक्की में केवल कोरोना महामारी का दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि इस खराब परफॉर्मेंस की असल वजह हमारे युवाओं के लिए अच्छे रोजगार पैदा न कर पाना है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।